हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का निधिस किचन में। आज हम बनाने वाले हैं सीताफल की बासुंदी। मैंने यहाँ पे सीताफल का पल्प निकाल लिया है और उसकी जो सीड्स है उसे अलग कर दिया है। सीताफल का पल्प चुटकियों में कैसे निकालना है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले हमें कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालना है और उस पानी को निकाल देना है और फिर उसमें हम डालेंगे दूध। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। पानी डालने से दूध जो है वो नीचे लगेगा नहीं। दूध डालने के बाद उसे चलाते रहना है जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए। पहला उबाल आ गया है तो भी हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध में 3 चम्मच चीनी डाली है। सीताफल बहुत मीठा होता है इसीलिए मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कम किया है। आप चीनी का इस्तेमाल आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। चीनी डालने के बाद फिर से दूध को चलाते रहना है। हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक वो आधा और हल्का गाढ़ा ना हो जाए। इसे चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो कहीं लगे नहीं। अगर आपको सीताफल स्टोर करके रखना है तो आप उसका पल्प निकाल के एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में 3 महीने तक रख सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि दूध जो है वो पक के आधा हो गया है। तो अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध जो है वो एकदम ठंडा हो गया है। इसे अभी मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। मैंने दूध को बाउल में निकाल लिया है। अभी हम उसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हमें इसमें सीताफल का टेस्ट चाहिए, इलायची का नहीं। इलायची का पाउडर इसमें अच्छे से मिला लेना है और अब हम इसमें डालेंगे सीताफल का पल्प। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया था जिसको मैंने पका के 1/2 लीटर कर लिया है और उसमें अब हम डालेंगे सीताफल का पल्प। सीताफल का पल्प आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सीताफल को दूध के साथ अच्छे से मिला लेना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सीताफल को दूध ठंडा होने के बाद ही डालना है। और ये हमारी बासुंदी बनके तैयार है। अभी सीताफल का मौसम है तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखें। अगर आपको ठंडी बासुंदी पसंद है तो आप बासुंदी को फ्रीज में 1 घंटे के लिए ठंडा करके फिर खा सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।